आज से आप एक नए किस्म की फिल्में देखने जा रहे हैं। ये कैसे शुरू हुआ हमारा काम, इसमें थोड़ा सा इसको आपका बताएं। कोई 4 साल हुए, चंदिता मुखर्जी एक नौजवान फिल्म मेकर बहुत एक्साइटेड मेरे कमरे में आई। उन दिनों हैलीज कॉमेट आने वाला था, तो बहुत साइंस की बातें हो रही थी, बहुत से यान जा रहे थे हैलीज कॉमेट को देखने के लिए। तो ये कहने लगी कि हैलीज कॉमेट तो हर 76 साल आता रहा है, जब पिछली बार आया था तो यहाँ क्या हो रहा था, विज्ञान में क्या रहा हो रहा था, लोग क्या सोच रहे थे, और उससे पहली बार आया और पहली बार आया। ये हुमायूं टूम में हम जो खड़े हैं, जब ये नया नया था तब भी हैलीज कॉमेट आया था। तो इसमें काफ़ी एक्साइटमेंट हुआ कि देखें कि भारत में क्या विज्ञान था, क्या लोग करते थे, क्या सोचते थे। तो ये 4 साल की मेहनत के बाद, बहुत लोगों से मिलने के बाद, देश में जगह जगह घूमने के बाद, खोजने के बाद, लाइब्रेरियों में, म्यूजियम्स में, आर्कियोलॉजिस्ट के साथ, साइंटिस्ट के साथ, हिस्टोरियंस के साथ बात करने के बाद, बहुत कुछ समझा है, सीखा है, ठीक समझा है, सीखा है, मालूम नहीं, आपके सामने आएगा। तो विज्ञान भी है, कल्चर भी है, इसमें आनंद भी है, पर इसमें थोड़ा दिमाग भी लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा नहीं। बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सबके लिए ये काफ़ी आनंदित करने वाली फिल्में मुझे लगती हैं। और मैं ये भी कहूँ कि जो मैंने ये बनते देखा है इन फिल्मों को, उससे मैंने भी बहुत कुछ सीखा है, समझा है। हमारी ये आशा रही है कि शायद इस किस्म की फिल्में बना के ये संभव हो सके कि हम हिंदुस्तानियत की एक नए किस्म की आइडेंटिटी, कि हम क्या हैं, कौन हैं, इस तरह की आइडेंटिटी बना सके। ये हुआ है कि नहीं आप बताइए, लिखिए इसके बारे में, कहिए कि ये कैसी कहानी है, एक नए किस्म की कहानी जो आज से आप देखने जा रहे हैं। भारत की छाप का मतलब, छाप से शायद लगता है कोई बीड़ी या अगरबत्ती होगी, मगर ये फिल्में हैं, 13 फिल्में, या कह सकते हैं एक सफर, जिसकी शुरुआत होती है कुछ सवालों से। ये सवाल क्या है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम अपना परिचय दे दें। मेरा नाम है मैत्रेयी, मैं कंप्यूटर साइंस में रिसर्च करती हूँ। वैसे बच्चों के लिए पॉपुलर साइंस की किताबों पर भी मैंने काम किया है। और आप हैं निसिम, यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाते हैं और मराठी थिएटर से भी अपने आप को जोड़े रखते हैं। मैं और निसिम सूत्रधारों की भूमिका निभाएंगे, लेकिन हमें सफर पर ले जाएंगे हमारे रिपोर्टर्स, हमारे 4 युवा खोजी। मैं अमृता प्रसाद। आप कलकत्ता से आए हैं? जी, हमें ऐसे लोगों की तलाश थी जो रिसर्च कर सकें, साल भर के लिए यहाँ वहाँ घूमने के लिए तैयार हों, जिन्हें लगे कि इस प्रोजेक्ट पर काम करके मज़ा भी आएगा और कुछ ज़रूरी बातों का पता भी चलेगा। तो निसिम और मैं बहुत से स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल से मिले, आखिर में 10-12 लोगों का एक वीडियो टेस्ट भी किया, ये देखने कि कैमरे के सामने उनमें कितनी आत्मीयता, कितना कॉन्फिडेंस है। और जब लोग मुल्क, मजहब, जात पात, पोथी पुराण, यूं हमने चुना टी रामनाथ, इन दीवारों को तोड़कर अगर साथ उठ बैठें, सलाह मशवरा करें,
तो शायद इसीलिए ना कि उन पर कहीं ना कहीं विज्ञान का असर है। तो फिर विज्ञान आखिर क्या है? रामनाथन ने साइकोलॉजी और केमिस्ट्री पढ़ी है। पिछले 4 सालों से वो मद्रास के एक साइंस मैगजीन के पत्रकार हैं। उन्हें लगा कि इस प्रोजेक्ट में शामिल होकर वो एक अलग तरह की जर्नलिज्म का अनुभव हासिल कर सकेंगे। अमृता प्रसाद ने कलकत्ता की जादवपुर यूनिवर्सिटी से कंपैरेटिव लिटरेचर में एमए किया है। अमृता हमारे रिपोर्टर्स में सबसे छोटी है। उन्होंने स्कूल तक ही साइंस पढ़ा है और तब उन्हें ये सबसे बोरिंग सब्जेक्ट लगता था। पर अब वो सोचती हैं कि उनकी शिक्षा अधूरी सी रह गई है। ये जो सारे लोग एक साल के लिए इधर उधर जाने के लिए तैयार हो गए हैं, वो लोग और कोई काम नहीं करते क्या? करते हैं चाची, लेकिन ये भी तो काम है ना। और आपको पता है, इस प्रोजेक्ट में सिर्फ मैं ही सीधे यूनिवर्सिटी से आई हूँ। शहनाज माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चरर है और उसने सिर्फ इस काम के लिए अपने कॉलेज से 1 साल की छुट्टी ली है। रंजन सिविल इंजीनियर है, PhD कर रहा है। रंजन प्रधान अपनी पढ़ाई से ऊब चुके थे और थोड़े समय के लिए नया कुछ करने का मौका ढूंढ रहे थे। उन्हें लगा कि इस प्रोजेक्ट से शायद उनकी कुछ अपनी समस्याएं भी हल हो सकेगी, कि उन्हें आगे क्या करना है वगैरह। लेकिन ट्राई कर सकते हैं ना? हाँ, एक तो कोशिश कर ही सकते हैं। शहनाज खान माइक्रोबायोलॉजी की लेक्चरर हैं और पीपल साइंस मूवमेंट के लिए भी काम करती हैं। शहनाज से मैत्रेय की अच्छी जान पहचान थी, पर वो इतनी व्यस्त रहती हैं कि हमने सोचा नहीं था वो हमारे साथ काम कर सकेंगी, लेकिन वो तो बड़ी खुश हुई। देखिए ना, कितनी तकनीकें हैं जिनका विकास महिलाओं ने किया था, जैसे मिट्टी के बर्तन, हाँ, खेती किसानी, हाँ, दवा इलाज। लेकिन जैसे ही इन तकनीकों का असर पड़ने लगा, महिलाएं उन पर काबू खो बैठी। लेकिन इसमें अजब क्या है, यही तो होता है अक्सर। और फिर हारने वालों में सिर्फ महिलाएं ही नहीं है, पुरुष भी है। सवाल तो यह है कि टेक्नोलॉजी का फायदा समाज के सारे वर्गों को क्यों नहीं मिलता। हमें इन सब बातों का ख्याल रखना चाहिए, खास करके अब जबकि हम विज्ञान के इतिहास पर फिल्में बनाने जा रहे हैं। जरूर रखना चाहिए। बात यह है कि जब एक तरफ टेक्नोलॉजी का, हाँ, तो बात हो रही थी हमारे टाइटल की। सीधे सीधे कहे तो हम फिल्में बना रहे हैं अपने इतिहास पर, और खास करके हम ये जानना चाहेंगे कि अलग अलग युगों में यहाँ विज्ञान में क्या क्या हो रहा था। क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सब भारतवासी कहाँ से आए हैं, कैसे पहुँचे यहाँ तक, कहाँ जाना चाहते हैं और जा कहाँ रहे हैं। वो कौन सी बातें हैं जो हमारा परिचय कराती है, हम हैं कौन। तो सवाल है हमारी पहचान का, आइडेंटिटी का, इसीलिए छाप। इस खोज के दौरान हम बहुत सी जगह जाएंगे, बहुत से युगों से गुजरेंगे। जब गाने का दिल करें तब गाने भी गाएंगे, मगर बातें भी करेंगे, क्योंकि ये हम सबसे ताल्लुक रखने वाली बातें हैं। और इसी ख्याल से हमने इन फिल्मों के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातचीत करने का इरादा किया। इतिहास का, हिस्ट्री का आज की असलियत से संबंध है, ये जाहिर है। और भारत की संस्कृति के लिए तो ये और भी सही है, क्योंकि हमारे समाज में कितना कुछ है जो सदियों से बदला नहीं है या जिसकी जड़ें बहुत पुरानी हैं। तो ये मानने में किसी को ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि अगर हम अपने आज को समझना चाहते हैं तो अपने बीते हुए कल को जानना जरूरी हो जाता है। बिना ऐसे समझ के हम आने वाले कल में कदम रखेंगे आंखों पर पट्टी बांध के, बल्कि शायद हमारे आंखों पर पहले से ही कुछ पट्टियां चढ़ी हुई हैं जिन्हें उतारना भी होगा एक एक करके। ये तो हुई इतिहास की बात, पर विज्ञान में हमारा खास इंटरेस्ट क्यों है, उसकी क्या भूमिका रही है हमें बनाने में? एक तो हमने पाया कि यूरोप के लिए जिस तरह का काम, जिस तरह की रिसर्च की गई है विज्ञान के इतिहास पर, हमारे लिए किसी ने नहीं किया है। इससे एक ऐसा इम्प्रेशन बन जाता है कि हमारा विज्ञान से कोई नाता ही नहीं रहा है। नतीजा ये कि पश्चिमी देशों के कुछ स्कॉलर्स और हम में से भी बहुत लोग यही मानकर चलते हैं कि भारत एक बड़ा आध्यात्मिक, बड़ा स्पिरिचुअल देश था और है, और हमें इस विरासत पर गर्व भी होता है। पर यह पहचान इतनी अधूरी है कि जब तक हम इसे पूरी न करें, ये झूठ बनकर रह जाती है। हमें विश्वास है कि साइंस वाली बातें
हमें सच के और करीब ला सकेंगी। काफी लोग ये समझते हैं कि विज्ञान पश्चिमी देशों की और आधुनिक काल की देन है, मगर विज्ञान तो हर जगह हमेशा से रहा है। विज्ञान तब भी था जब इंसान ने आग को समझा और उसे वश में किया। जंगली जानवरों को पालतू बनाना भी एक तरह का विज्ञान ही था, और ईंटों से घर भी विज्ञान के जरिए ही बने। और जगहों की तरह यहाँ भी विज्ञान था और उसका विकास भी होता रहा, लेकिन किस हद तक? एक काफी फैली हुई गलतफहमी है कि सारे दुनिया भर के विज्ञान की जानकारी हमें सदा से रही है, और हमारे शास्त्रों में वो सब कुछ था जिसे दुनिया आज तक जान पाई है, लेकिन ऐसी बातों का कोई सबूत नहीं मिलता। पुराने समय के लोगों ने बहुत चीजों की कल्पना की होगी, इनसे बनी कथा कहानियां, ये हमें बनाने में जरूर महत्व रखती है, पर अगर हम ये सोच ले कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वज हवाई जहाज में उड़ते थे और एटम बॉम्ब का इस्तेमाल करते थे, तो ये भी हमारी सही पहचान नहीं। खुदाई में ऐसी चीजों के कोई अवशेष, बची हुई निशानियां नहीं मिलती, बल्कि सारे सबूत ये बताते हैं कि 6-7 हजार साल पहले इस उपमहाद्वीप के लोग शिकार और जंगली आहार के सहारे जीते थे। और जगहों की तरह यहाँ के लोगों ने भी पत्थर के औजार बनाने सीखे, आग का इस्तेमाल करना सीखा, और यूं विज्ञान और तकनीक को आगे बढ़ाया। वो पत्थर युग था, और हम वहीं से शुरू करेंगे अपनी यात्रा। यूं सिंधु सभ्यता, वैदिक काल, दक्खन की गुफाओं और दक्षिण के राज्यों से होते हुए अरब देशों से मेलजोल, अफगान और तुर्की क्षेत्रों से आने वालों और मुगल जमाने और ब्रिटिश राज को देखते हुए हम अपने आज पर आ पहुंचेंगे। मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स के विकास पर नजर डालेंगे और कारीगरों के तकनीकों पर गौर करेंगे। इस बार हम अपने तरीकों का परिचय देंगे। सफर करें साथ चले, आओ चले खोज का ये सफर करें, गुजरे हुए जमाने को हम जिंदा करें, हम जिंदा करें। साथ चले आओ चले खोज का ये सफर करें, साथ चले आओ चले खोज का ये सफर करें। लंबा है ये रास्ता, मुश्किल है ये रास्ता, अजनबी है ये रास्ता, अनजान है ये रास्ता, सफर करें साथ चले आओ चले खोज का ये सफर करें। ज्ञान मिला विज्ञान पला, समाज चला नया रंग खिला, ज्ञान मिला विज्ञान पला, समाज चला नया रंग, सफर करें साथ चले आओ चले खोज का ये सफर करें।
जिज्ञासा जरा उड़ान जरा हो रुझान जरा आशा जरा जिज्ञासा जरा उड़ान जरा हो रुझान जरा यही साधन है पर सोच नया हर सोच पर हम रुके साथ चले आओ चले खोज का ये सफर करें साथ चले आओ चले खोज का ये सफर करें सबका ये इरादा है कि गुजरे हुए जमाने को हम जिंदा करें पर कैसे आज हमारे पास अखबार हैं किताबें हैं जिनमें वो सब कुछ पढ़ा जा सकता है जो भी घटता है या जो भी लोग करते हैं या सोचते हैं मगर जैसे जैसे हम अतीत में और पीछे जाते हैं इस तरह की लिखित जानकारी कम होती जाती है फिर भी हमें बहुत कुछ मिलता है हर काल हर समाज हर पीढ़ी अपने पीछे कुछ निशानियां छोड़ जाती है बर्तन के टुकड़े हड्डियां बच्चों के खिलौने बड़े बड़े मंदिर भी ऐसी बहुत सी चीजें खुदाई करने पर सामने आती है जैसे हाल ही में पुणे के पास इनाम गांव में खुदाई चल रही थी रंजन और शहनाज हमें दिखाएंगे कि 3,000 साल पहले वहां के लोगों ने किस तरह जिंदगी बसर की खुदाई में मिली चीजें कितनी पुरानी है ये जानने के कई तरीके हैं आधुनिक विज्ञान के पास सबसे प्रचलित है रेडियो कार्बन डेटिंग इसका सिद्धांत क्या है और ये कैसे की जाती है ये भी हम समझेंगे दरअसल खुदाई कार्बन डेटिंग ये सब तरीके तब भी उतने ही काम आते हैं जबकि हमारे पास उस काल की लिखी हुई रचनाएं मौजूद हों वरना ये कैसे पता चले कि उनमें लिखी हुई बातें किस हद तक सच हो हमने शुरू में पहचान की बात की थी अपने अतीत और आज के संबंधों का जिक्र किया था अब हर किसी के मन में अपने इतिहास का कोई ना कोई चित्र जरूर होता है चाहे वो धुंधला ही हो अक्सर ऐसे चित्रों में हमें ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक कथा कहानियों का एक अजीब सा संगम दिखाई देता है मैं हूँ अमृता प्रसाद एक बात मुझे हमेशा उलझन में डाल देती है वो है पुरानी कहानियां और सच्चाई का रिश्ता मैं जब कंपैरेटिव लिटरेचर में एमए कर रही थी तो मुझे देश विदेश के बहुत सी रोचक किंवदंतियां पढ़ने का मौका मिला लेकिन ये ढेर सारे सवाल भी मन में पैदा करती है ये दंतकथाएं कैसे शुरू हुई इनमें सच्चाई कितनी है और कवि की कल्पना कितनी क्या लंका का महायुद्ध जिसमें वानर सेना ने राम की मदद की थी सचमुच हुआ था या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी कवि ने एक छोटी सी लड़ाई में उस समय के अहम मसले देखे और बना दिया उनको बहुत बड़ा कैसे मिलेंगे इन सवालों के जवाब उन्हीं दिनों रामनाथन ने किसी लेख में पढ़ा कि प्रोफेसर बीबी लाल ने ऐसी कई जगहों पर खुदाई की है जिनका महाभारत और रामायण में उल्लेख है तो उनसे मिलने हम पहुंचे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी शिमला प्रोफेसर साहब आपने ये तय कैसे किया कि फला फला जगह पर ही खुदाई की जाए अमृता महाभारत और रामायण में जिन जगहों का जिक्र आता है वे जगह आज भी उन्हीं नामों से पुकारी जाती और न सिर्फ ही उनकी भौगोलिक स्थिति वही है जो इन महाकाव्यों में बताई गई है जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए हस्तिनापुर जो कौरवों की राजधानी था महाभारत के हिसाब से ये जगह गंगा के किनारे बसी थी आज भी गंगा के किनारे जो शहर बसा हुआ है उसको हस्तिनापुर कहते हैं और मथुरा कुरुक्षेत्र आदि स्थान जो महाभारत से संबंधित हैं
उनके नाम भी पीढ़ी दर पीढ़ी वैसे ही चलते आ रहे हैं, इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई कि कौन सी जगहों पर खोदना है कौन सी पर नहीं, जगह स्पष्ट थी। और रामायण की? रामायण के बारे में भी वही बात है। राम कथा के अनुसार राजा दशरथ की राजधानी अयोध्या सरयू नदी के किनारे थी। आज भी ये जगह सरयू नदी के किनारे है। जब रामचंद्र जी को वनवास दिया गया तो वे इन नदियों को पार करते हुए गंगा के किनारे श्रृंगवेरपुर पहुंचे। यहाँ पर निषाद राज गुह ने उनको गंगा पार कराया। यहाँ से वो भरद्वाज आश्रम पहुंचे और वहां से जमुना पार करके चित्रकूट। आपको इन खुदाइयों के दौरान क्या क्या मिला? बहुत कुछ। जैसे महाभारत काल के जो स्थान हैं उनके सबसे निचले स्तरों में हमें एक विशेष सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। उस समय के लोग भूरे रंग के बर्तन बनाया करते थे जिन पर काले रंग से चित्रण किया जाता था। मैं देखूं? हाँ हाँ जरूर देखिए। बाद में दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में हमने वैसे बर्तनों के और नमूने देखे। हर प्राचीन सभ्यता के अपने खास किस्म के मिट्टी के बर्तन होते हैं, इसीलिए खुदाई में मिले बर्तनों से मालूम होता है कि उनके साथ पाई गई चीजें किस काल की हैं। प्रोफेसर लाल ने हमें बताया कि महाभारत में जिन जगहों का जिक्र है उन पर जो सबसे पुरानी चीजें मिली हैं, वो यही पेंटेड ग्रेवेयर नाम के बर्तन हैं, और उनका काल है 900 साल ईसा पूर्व शताब्दी का था। लेकिन आपने रामायण का काल कैसे निश्चित किया? चलिए हम आपको बताते हैं। रामायण से जुड़े स्थानों पर मिली चीजों को प्रोफेसर लाल ने अलग अलग जगहों के हिसाब से सजा के रखा था, खुदाई की नीचे से ऊपर की परतों के अनुसार। अयोध्या की सबसे पुरानी परतों में उन्हें काले चमकदार बर्तन मिले, और नीचे जाने पर कुछ नहीं था, आबादी के कोई सबूत नहीं मिले। भरद्वाज आश्रम में उन्हें गुप्तकाल की चीजें मिली, इसके नीचे काफी समय तक कुछ नहीं था, करीबन 700 ईसा पूर्व वाली परत में वही काले बर्तन मिले, और फिर उसके नीचे कोई बस्ती नहीं थी। सिर्फ श्रृंगवेरपुर में 700 ईसा पूर्व से भी पहले के कुछ साधारण से बर्तन मिले। इस तरह ये साबित हुआ कि आबादी की सबसे पुरानी परत जो हर जगह मिली वो थी ईसा से पहले 7वीं सदी की। इसलिए ये बात माननी ही होगी कि रामायण की घटना इससे पुरानी नहीं हो सकती। अच्छा, मेरा एक प्रश्न और भी है लाल साहब। हाँ, वो क्या? आपके प्रमाणों के अनुसार रामायण और महाभारत यदि सत्य हो तो रामायण महाभारत के बाद में हुआ होगा, मगर ये तो बिल्कुल उल्टी सी बात है, क्योंकि हमारी परंपरा कहती है कि राम कृष्ण के पहले हुए थे। अच्छा, परंपरा तो कुछ और भी बहुत कहती है। परंपरा के हिसाब से राम त्रेता में हुए थे, कृष्ण द्वापर में, दोनों के बीच में लाखों साल का अंतर है। पर पुरातत्व प्रमाण तो ये बताते हैं कि ये कुल घटनाएं ज्यादा से ज्यादा 3000 साल के अंदर हुई हैं। लेकिन लोग धर्म से जुड़े हुए अपने ख्याल इतने आसानी से नहीं बदलते। आम लोगों ने आपकी बात को मान लिया? काफी लोगों ने मान लिया है। उनकी श्रद्धा को जरा भी ठेस नहीं पहुंची है। उनके लिए धर्म एक तरफ है और इतिहास दूसरी तरफ, इसमें कोई मतभेद नहीं है। हाँ, कुछ लोग जरूर हैं जो अभी इस बात को नहीं मानते, पर आप ही देखिए, पुरातात्विक प्रमाण स्थूल हैं, बिल्कुल स्पष्ट हैं, इनको कैसे नकारा जा सकता है जी। और एक चीज आपको और बताएं, मैं हूं रंजन प्रधान, पुणे से थोड़ी दूर इनाम गांव में। डेक्कन कॉलेज के पुरातत्व शास्त्री यहां कई सालों से खुदाई करते आए हैं। इस जगह पर एक छोटी सी गोल झोपड़ी हुआ करती थी, जहां से कुछ अवशेष मिल रहे हैं जो 2500 साल पुराने हैं, और यह है उत्खनन की सबसे ऊपरी परत। इन अवशेषों की जाँच से तब के रहने वालों की जिंदगी के बारे में काफी कुछ पता लग रहा है। पुरातत्व शास्त्री समझने की कोशिश में हैं कि ये झोपड़ियां कैसी रही होंगी। इन गड्ढों में लकड़ी के खंभे लगाए गए होंगे,
यहाँ जानवरों की बहुत सी हड्डियाँ मिली हैं, गाय, बकरी, ब्लैक बक, सांभर, हिरन वगैरह की। यानी ये लोग गोल छोटी झोपड़ी में रहते थे और आमतौर पर गोश्त खाते थे। इनाम गांव के बारे में बस हम इतना ही जानते अगर और गहराई तक खुदाई नहीं होती। जैसे जैसे खुदाई गहरी होती गई, इनाम गांव की और भी पुरानी परतें सामने आने लगी। आखिर वो पहुंच गए इस परत तक। गोल झोपड़ियों में रहने वाले लोगों से करीबन 30 पीढ़ी या 700 साल पहले। दीवार की इस रेखा से मालूम होता है कि ये घर बड़े और आयताकार होते थे। क्या मिला आज आपको? कुछ बीज। इनाम गांव में खुदाई देखकर पता चला कि 700 सालों में वहां की जिंदगी काफी बदल गई थी, मगर कैसे? लगा यहाँ मिले अवशेष ही जवाब दे सकते हैं। इसे कहते हैं कार्निलियम। ओह, बहुत सुंदर है। मैं हूँ शहनाज खान, पुणे के डेक्कन कॉलेज में। इनाम गांव में जो कुछ भी मालूम हुआ उसी के बूते पर बना है ये मॉडल। रंजन ने आपको सबसे ऊपरी 2500 साल पुरानी परत दिखाई। अंदाजा लगाया गया है कि उस समय की झोपड़ियों की बनावट ऐसी ही रही होगी। इसके मुकाबले और भी पुरानी परतें थीं, जिनमें जिंदगी कुछ अलग ही थी। इन लंबे आयताकार घरों में कई कमरे हुआ करते थे और इनमें रहने वाले ऐसी कई चीजें छोड़ गए हैं जिनसे उनके जीवन की झलक मिलती है। नीचे की परतों में गेहूं, जौ, मूंग, मटर, चने वगैरह के दाने मिले और मिट्टी की कारीगरी के भी कुछ नमूने। ऐसे उम्दा बर्तन बनाने वाले जरूर खुशहाल रहे होंगे। इतनी अच्छी कारीगरी, ऐसी बढ़िया खेती किसानी, आगे चलकर ये खुशहाली घटने क्यों लगी थी? क्या वजह रही होगी? उसी शाम रंजन और मैं डेक्कन कॉलेज के उन पुरातत्व शास्त्री से मिले जिन्होंने इनाम गांव में खुदाई की है। मगर प्रोफेसर साहब, उन दिनों इनाम गांव में जो खेती किसानी घट रही थी उसकी क्या वजह थी? दरअसल ईसा के लगभग 1000 साल पहले सारी दुनिया की आबोहवा बदल रही थी। यूरोप में एक ठंडा युग शुरू हुआ था। जैसा कि हम जानते हैं, ध्रुवीय क्षेत्रों में जब ठंड बढ़ता है तो हमारे इलाके में सूखा पड़ जाता है, क्योंकि ध्रुवीय क्षेत्रों में गर्मी कम होने के कारण समंदर का कम पानी भाप बन पाता है। यानी बारिश के पूरे चक्र में गड़बड़ हो गई थी। इसका मतलब इनाम गांव में भी सूखा पड़ा होगा। बिल्कुल। इस सूखे के दौरान इस हिस्से के कई लोग दक्षिण की तरफ जाने लगे अच्छी आबोहवा की तलाश में, लेकिन इनाम गांव जैसी कई जगह थी वहां वे टिके रहे, हालात से जूझते रहे, अपने जीने का ढंग बदलते रहे। आपने तो देखी होगी ये सारी चीजें जहां खुदाई की गई है। हाँ, लेकिन ये समझ नहीं आया कि उनके आयताकार घर गोल क्यों बन गए। शायद उस वक्त आबोहवा बदलने के कारण तेज हवाएं चलने लगी होंगी और लोगों ने धीरे धीरे ये महसूस किया होगा कि गोल झोपड़ी ही तेज हवा का बेहतर सामना कर सकती है। आज भी लोग गोल झोपड़ियां बनाते हैं, जैसे कि राजस्थान, जहां बहुत तेज हवा चलती है। कारण यही है कि झोपड़ी अगर गोल हो तो तेज हवाएं उसके बगल में से निकल जा सकती है। खुदाई में मिली चीजें कितनी पुरानी हैं ये जानने का सबसे आम तरीका है रेडियो कार्बन डेटिंग। तरह तरह के अवशेष मिलते हैं, मगर कार्बन डेटिंग उन्हीं चीजों की हो सकती है जिनमें कभी जान थी, जैसे लकड़ी, हड्डी, जले हुए अनाज के दाने वगैरह। उनके साथ मिलने वाले बर्तन या मोती मनके या औजार जैसी चीजों की कार्बन डेटिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि उनमें कभी जान नहीं थी। कार्बन इस जीव जगत का आधार है।
धरती पर बसने वाले तमाम प्राणी, जीव जंतु, मनुष्य, पेड़ पौधों का एक हिस्सा है कार्बन। इसके दो आइसोटोप्स होते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14। कार्बन 14 रेडियो एक्टिव है और कार्बन 12 की तुलना में बहुत कम होता है। हर उस चीज में जिसमें जान है, कार्बन 12 और कार्बन 14 का एक खास अनुपात या रेशियो होता है, और पर्यावरण से कार्बन लेते और देते रहने से ये अनुपात बना रहता है, कभी टूटता नहीं। जब किसी जीव में जान बाकी नहीं रहती, तब पर्यावरण से कार्बन का ये लेन देन भी बंद हो जाता है। तो क्या उसके भीतर के कार्बन 12 और 14 का अनुपात अब भी पहले जैसा ही बना रहेगा? नहीं। हर रेडियोएक्टिव पदार्थ की तरह कार्बन 14 भी एक नियमित गति से कम होता जाता है, जबकि कार्बन 12 जितना था उतना ही रहता है। किसी भी पदार्थ में C14 के जितने एटम्स होंगे वो 5730 साल बाद बस आधे बचे रहेंगे, और 5730 सालों के बाद उससे भी आधे। इस अवधि को C14 की हाफ लाइफ कहते हैं। C14 की हाफ लाइफ न ही लाखों साल लंबी है, न ही कुछ मिनटें छोटी, और यही वजह है कि खुदाई में पाई गई चीजों का काल निश्चित करने में C14 बहुत काम आती है। तो जिंदा शरीर की हड्डी की तुलना में खुदाई में पाई गई हड्डी के भीतर C14 एटम्स कम होंगे, और इन एटम्स की गिनती कर पाना संभव है। अब हम जानते हैं कि हर जीव में कार्बन 12 और कार्बन 14 का अनुपात क्या होता है। खुदाई में मिली हड्डी के भीतर का अनुपात अलग होगा, और इसी से हमें मालूम होता है कि वो कितना पुराना है। इसी तरह हम न सिर्फ हड्डियों की बल्कि उन सभी चीजों की डेटिंग कर सकते हैं जिनमें कभी जान थी, जैसे अनाज वगैरह। और जिन अवशेषों की उम्र का हम पता लगा चुके हैं, उनके जरिए बाकी चीजों का भी काल मालूम हो जाता है जो खुदाई में उनके साथ मिली थी। कुछ दिन पहले शहनाज अहमदाबाद गई थी, जहाँ की फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी में रेडियो कार्बन डेटिंग की जाती है। वहाँ उनकी मुलाकात हुई प्रोफेसर डीपी अग्रवाल से। बात हो रही थी कि रेडियो कार्बन विधि कैसे काम करती है, तो सिद्धांत तो खैर बहुत आसान है बताना, लेकिन प्रयोग में उस चीज को करना बहुत कठिन है, और हमारी परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं उत्खनन से, जहाँ खुदाई हो रही होती है, जहाँ से हम लोग नमूने इकट्ठे करते हैं, तो वहीं से समस्याओं की शुरुआत शुरू हो जाती है। जैसे कि लकड़ी अगर मिले या कोयला मिले तो उसमें तरह तरह का संदूषण हो सकता है, मतलब उसमें दूसरी चीज़ आ सकती है, तो इन सब चीज़ों को भी हमको हटाना पड़ता है इसमें से निकाल करके। तो किसी भी किस्म के बाहर का कार्बन इसके अंदर नहीं आना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि बाहर का कार्बन आएगा तो मतलब उसकी हम एज देंगे, न कि इस कार्बन की। तो इसलिए सबको पहले हाथ से साफ किया जाता है, और फिर दूसरी प्रक्रियाएँ जो रासायनिक शुद्धिकरण है वो चालू किया जाएगा। ये नमूना हमने खेतरी के खुदानों से लिया है, पुरानी तांबे के खुदानों से राजस्थान में। पर इसका महत्व क्या है? इसका महत्व तो ये है कि अभी तक ऐसा समझा जाता था कि ये जो खुदाने हैं इनको 300-400 साल से ही यहाँ से तांबा निकाला जा रहा है। समस्या ये थी कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे उनको तांबा कहाँ से मिलता था। ये हम सोचते थे, अनुमान लगाते थे कि शायद यही तांबा इस्तेमाल करते होंगे वो लोग भी, लेकिन उसका कोई सबूत नहीं था हमारे पास। तो पहली बार ये संभव हो सकेगा कि ये खाने यहाँ की कितनी पुरानी हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता के ज़माने की हैं या कब की हैं, ये हम साबित कर सकें। इस सिस्टम से जो ग्लास की बंदलियों में उसको जलाएंगे, ऑक्सीजन के शुद्ध प्रवाह में जल रहा, और उसके बाद वो इधर से शुद्ध होकर के अब यहाँ पर हमको इकट्ठी करनी है, तो उसको ठंडा करना होगा लिक्विड नाइट्रोजन से, हमारा नमूना काउंटर में आ गया है, गिनती शुरू हो गई है, देखा जाए कि कहाँ तक पहुँच गए।
अंदाजा लगा सकते हैं कि यह नमूना कितने साल पुराना है? पक्का अंदाजा लगाने के लिए तो 40 घंटे चाहिए, लेकिन कुछ मिनट की काउंटिंग से भी हम थोड़ा अंदाज लगा के आपको बता सकते हैं। फिर बताइए। ऐसा लगता है कि ये 3000 साल से तो पुराना है। यानी कि हड़प्पा वाले जमाने का? अब 3000 साल पुराना है तो 4000 साल का भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए अंदाज करना पड़ेगा। हम लोग दिन भर यहाँ रहेंगे, रंजन के माँ बाप हैरान तो नहीं होंगे छुट्टी के दिन इतना शोरगुल? नहीं, वो लोग तो शायद बम्बई है नहीं। अच्छा, 1400 साल शायद वहाँ। चलो। हाय। जैसे अमृता नहीं आए? साथ ही में आ रहे हैं, अभी आते होंगे। खुशबू आ रही है, क्या बन रहा है? देखो क्या बन रहा है। बाकी के लोग आ गए होंगे ना अब तक? हाँ, शायद इसी में है ना तुम्हारे फोटोग्राफ। हाँ, और वो रोड मैप भी खरीदा था कल। अच्छा, मैंने इनाम गांव के तरह की गोल झोपड़ियाँ कच्छ में भी देखी थी। हाँ, वहाँ भी वैसा ही मौसम है ना, तेज हवाएं चलती रहती है। असल में कितने सारे तरीके और तकनीक आज तक चले आ रहे हैं, उनसे हम पता कर सकते हैं कि पुराने जमानों में काम करने का, खाने का, रहने का ढंग क्या था। हाँ, और अब तो हम जगह जगह जाएंगे, ऐसी बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि आज के आदिवासियों पर हमें गौर करना चाहिए, आज भी उनके रहन सहन में बहुत कुछ ऐसा है जो कि पाषाण युग में भी वैसा ही था। नॉर्थ ईस्ट में ऐसे ट्राइब्स हैं, वहाँ जो थोड़ी फोटोग्राफ्स पड़ी हैं, मैं त्रिपुरा गई थी तब की हैं। अच्छा, काफी अच्छे हैं। इसके लिए हम बस्तर भी जा सकते हैं, आज भी जंगल में खाने की चीजें ढूंढकर लाना वहाँ औरतों का ही काम है। माना जाता है कि इसी काम के जरिए औरतों ने ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में खेती की शुरुआत की। बस्तर के किसी आदिवासी इलाके में शायद लोहा बनाने की पुरानी परंपरा भी आज तक जीवित है, वो भी देखना चाहिए। तकनीकों के अलावा आयुर्वेद जैसा साइंस भी अब तक चला आ रहा है, हम आजकल के किसी आयुर्वेदिक अस्पताल में जाकर इसे समझने की कोशिश कर सकते हैं। चावल की पोटलियां हैं। रंजन, तुम फिर से पुणे गए थे ना, कैसी रही ट्रिप? काफी इंटरेस्टिंग। सबसे मजेदार यह है कि डेक्कन कॉलेज में कोई है जो हमें पत्थर के औजार बनाकर दिखा सकते हैं। अच्छा, तो पूरी भारत यात्रा हो जाएगी हमारी? हाँ बिल्कुल, कश्मीर से कन्याकुमारी। यहाँ नीचे राख है ना, राख के ऊपर इन्होंने एक फोर्ट वॉल भी इधर मिला है। और अपनी यात्राओं के दौरान तुम लोग जहाँ जहाँ जाओ वहाँ रहने वालों से बातचीत कर सकते हो, उन्हें पूछ सकते हो कि उन्हें इतिहास की कितनी जानकारी है और उनके आज की समस्याएं क्या है। यानी इतिहास को आज के वर्तमान से काट कर देखने के बजाय हम उसे आज के हालात से जोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। हाँ, सिर्फ एक्सपर्ट से मिलने के बजाय हमें आम लोगों से भी मुलाकात करनी ही चाहिए। पर मुश्किल सामने आएगी जब हम बीते युगों के लोगों से मिलना चाहें। मतलब हड़प्पन जमाने को कैसे पेश किया जाए? हड़प्पा मोहनजोदड़ो तो हम जा नहीं सकते, लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई की तस्वीरें तो होंगी, पता करना चाहिए। और हम लोथल और कालीबंगन तो जा सकते हैं। म्यूजियम्स, हर काल की चीजें तो मिलेंगी भारत भर के म्यूजियम्स में, उनकी मदद से हम काफी बातें जान सकते हैं। म्यूजियम्स की चीजें देखकर हम अपनी कल्पना को भी काम में ले सकते हैं, और फिर बाद में जब हम प्राचीन ग्रंथों के दौर में पहुंचेंगे तब हम उनमें से कुछ किस्से कहानियां चुनकर नाटक कर सकते हैं। हाँ, क्यों नहीं भाई, नाटक वाटक आप लोग कीजिएगा, मुझसे तो नहीं होगा। काशी नगरी में एक बार बोधिसत्व ने लिया अवतार, बहुत पुरानी बात है ये, बात लेकिन बात है ये। अर्थशास्त्र, मनुस्मृति, जातक कथाएं,
पुरानी हस्तलिपियां भी है कुछ लाइब्रेरीज में, जैसे तंजावुर में है ना सरस्वती महल लाइब्रेरी। हाँ तंजावुर में ही है ना वो मंदिर, क्या नाम है उसका? बृहदेश्वरा। जब हम आर्किटेक्चर पर आएंगे तब दक्षिण की शैली दिखाने के लिए वहां भी जा सकते हैं, और बाद में हम दिखा सकते हैं कि जब मेहराब और गुंबज यहाँ आए तब हमारा वास्तुशिल्प जिसका विकास रुक सा गया था फिर आगे बढ़ा। गोल गुंबज है, फिर फतेहपुर सीकरी की इमारतें, ये सब सांची या कोणार्क की तरह बिल्कुल हमारी संस्कृति की रचनाएं हैं। एकता भाव को बढ़ावा देने के कई मौके मिलेंगे। हम जब टिप्पू सुल्तान की बात करें, इस बात पर जोर दिया जा सकता है कि वो पहले राष्ट्रवादियों में से था। लेकिन एकता की भावना वगैरह ऐसी बातों से साइंस का क्या ताल्लुक है? ताल्लुक क्यों नहीं है, अगर हम अपने इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो हम अपनी गलत फहमियां दूर कर सकते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और लोगों के सोचने के ढंग से तो विज्ञान का सीधा ताल्लुक है। जैसे बौद्ध विचारधारा को अगर लें, गौतम बुद्ध की सीख का वो असर पड़ा कि व्यापार को बढ़ावा मिला, समाज में खुलापन आया। और नालंदा तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज में मेडिसिन पढ़ाया जाने लगा। ऐसे माहौल में साइंस भी तरक्की कर सका। मगर जिस समाज में बहुत ऊंच नीच, भेदभाव, रोक टोक हो, उसमें सवाल पूछना, प्रयोग करना, नया कुछ सोच पाना बड़ा कठिन हो जाता है। और ये भी हुआ ही है कितनी बार हमारे साथ। इस सिलसिले में याद आया, रामनाथन की चिट्ठी मिली थी कल। कब आ रहा है वो? कुछ हफ्ते 15 दिन में। चिट्ठी आई है गुवाहाटी से और लिखा है, एनवायरमेंट स्टडी ग्रुप के साथ टूर के थोड़े ही दिन बाकी है। हम बहुत से इलाकों में जा चुके हैं, बहुत से लोगों से मिला हूँ मैं। याद है उस दिन हम सब बात कर रहे थे कि साइंस एक ऐसा माध्यम है जो लोगों का सोच बदल सकता है, कि अगर साइंस घर घर पहुँचे तो अंधविश्वास दूर हो सकते हैं, समानता के विचार आगे बढ़ सकते हैं। मगर मैंने तो देखा है कि लोगों की ज़िंदगी अगर बदल भी रही हो, उनका सोचने का तरीका नहीं बदलता। विकास योजनाएँ किसी के मन को कम ही छू पाती हैं। ठीक है, कहीं कहीं टेक्नोलॉजी के काफ़ी फायदे पहुँचे हैं, बिजली, नए बीज, सिंचाई के साधन, पर ये सब तो ऐसे किया जाता है कि जैसे बस कोई आकर उन्हें कुछ दे गया, उनसे बात नहीं की कि उन्हें क्या चाहिए। नहीं वे समझते हैं कि उन्हें कहने का हक है कि किसी योजना से उन्हें फायदा होगा या नुकसान। तो जब कभी कभी हम ऐसी बातों की चर्चा शुरू करते हैं, वही जवाब मिलता है कि साहब आप लोग ही बताइए हम क्या बोलें। और हम अगर कहें कि उनके जीवन का मामला है, उन्हें इसके बारे में सोचना और कहना ज़रूरी है, वो कहता है कि ऐसा तो उन्होंने कभी किया नहीं, ऐसी तो परंपरा ही नहीं है। पर आखिर होना तो वही है जो किस्मत में लिखा है। कौन तय करता है कि परंपरा क्या है? आज लोग कहते हैं कि सती प्रथा परंपरा है, उसकी आलोचना मत कीजिए, या जाति प्रथा छुआछूत परंपरा है, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? लेकिन ये रिवाज, ये परंपराएं कभी हम जैसे ही लोगों ने बनाई थी। और ये तो हम पर ही है कि अपने अतीत की किस परंपरा को साथ रखें और किसे छोड़ दें। हाँ, हम अपने इतिहास को नकार तो नहीं रहे हैं, आखिर गर्व करने लायक भी बहुत कुछ है। हाँ, आर्यभट्ट, भास्कर जैसे वैज्ञानिकों का काम, फिर आयुर्वेद, और फिर वो सारे कुम्हार, शिल्पकार और बुनकर जिन्होंने इतनी गजब की चीजें बनाई, और वो सभी किसान जिन्होंने तरह तरह की फसलें उगाई। तो हम हर नजर से, हर पहलू पर बात करेंगे, गर्व के साथ जहाँ गर्व की बात होगी, और आलोचना करेंगे जहाँ हम उसकी जरूरत महसूस करेंगे। सच, सिर्फ सच, और सच के सिवा कुछ नहीं। पर सच में हम कितनी झूठी सच्ची बातों में विश्वास करते हैं। उस दिन मैं टैक्सी से जा रही थी तो यूं ही ड्राइवर से बातचीत चल पड़ी, देश को लेकर, विज्ञान को लेकर। तो वो कहने लगा, क्या होगा कंप्यूटर वंप्यूटर से, जिंदगी पहले ही अच्छी थी। क्या होगा साहब कंप्यूटर से, जिंदगी इसके पहले ही अच्छी थी। हमारे देश में ऋषि मुनियों के समय में इन नदी और नालों में दूध बहा करते थे। आज देखिए, आज क्या है, भोपाल में देखिए कितने आदमी मर गए, काहे को
यह कलयुग नहीं तो और क्या है, यह भी कोई युग है। पहले 8 आने शेर दूध और 8 रुपया किलो भी मिलता था, कितने लोग सुखी थे। माना दूध महंगा हो गया है और समस्याएं भी कम नहीं है। वो टैक्सी वाला अखबार पढ़ता होगा, टीवी देखता होगा, लेकिन आज के बारे में वो जितना जानता है उतना ही इतिहास को लेकर कुछ गलतफहमियों का शिकार है। भोपाल जैसे हादसे के कारण वो सारी टेक्नोलॉजी को ही बुरा मानता है। अगर हम ये मान के चले कि आज हालात काफी बिगड़े हुए हैं तो उन्हें बदलने की या सुधारने की इच्छा होगी, और दुनिया को बदलने की कोशिश हमेशा सत्य को जानने की ख्वाहिश से ही शुरू होती है। सत्य को जाने बिना हम किस बुनियाद पर भविष्य की योजना रखेंगे। हाँ, इतिहास में कितनी मिसालें हैं, 19वीं सदी के सारे समाज सुधारक या 20वीं सदी में गांधी जी और भगत सिंह जैसे लोग, इन सब ने सत्य जानने पर जोर दिया, इतिहास पढ़ा, अपने समय को समझने की अच्छी कोशिश की। सती रोको, बाल विवाह बंद करो, विधवा विवाह होने दो, औरतों को पढ़ने लिखने का हक दो, जो अछूत था उसे हरिजन समझो, भारत छोड़ो। बस यूं ही कहने भर से तो इन नारों का असर नहीं हुआ, इतने सारे लोग ऐसे ही तो नहीं मान गए। सुधार चाहने वालों ने पहले खुद अपनी संस्कृति को समझा, इतिहास को जाना और फिर लोगों को समझाने की कोशिश की। हम लोग तो सुधारक हैं नहीं, बस फिल्में बना रहे हैं। फिल्मों के जरिए दुनिया को बदलना मुश्किल है और हमारे पास दुनिया को बदलने का कोई नुस्खा भी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जब भी बीते हुए युग की बात करें बिना सबूत कुछ माने नहीं, और साथ साथ न सिर्फ ये जानने की कोशिश करें कि विज्ञान में, इतिहास में क्या हुआ या क्या नहीं हुआ, बल्कि हम कैसे और क्यों जैसे सवाल भी उठाएंगे। साइंस का यही तरीका है।